खबर इंदौर से है, जहां सिमरोल में रविवार देर रात बवाल हो गया। आत्मदाह की कोशिश में एक व्यक्ति झुलसा, उसे बचाने में दो और झुलस गए। उपचार के लिए एम्बॉय में भर्ती कराया गया है। नाराज भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी। बताया जाता है कि हाईवे निर्माण के लिए निजी जमीन पर दुकान हटाने को लेकर रविवार सुबह से विवाद चल रहा था, जो बाद में बढ़ गया। देर रात में यहां गिट्टी खाली करने वाले डंफर पहुंचा था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति ली थी। जमीन सरकारी है या निजी, यह साफ नहीं हो पाया। विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची तो वह कुछ लोगों को पकड़कर थाने में ले जाने लगी। बाद में भीड़ में मौजूद एक ग्रामीण ने खुद को आग लगा ली। उसे बचाने में भतीजा और दामाद भी जल गए। परिवार ने पुलिस पर विवाद कर जलाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने 5 लोगों पर मारपीट, तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया है। एसआई बिहारी सावले की शिकायत पर भंवर सिंह चौहान, शेखर अंतर सिंह, अमृता और पुष्पेन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसआई ने अपनी शिकायत में बताया कि डंफर का चालक 5 महुआ रोड पर गिट्टी खाली करने गया था। यहां चालक के साथ आरोपियों ने मारपीट की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम से भी आरोपी विवाद करने लगे। इस दौरान भंवर सिंह ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की और सरकारी वाहन नंबर MP03A7079 के साथ छेड़खानी भी की और कांच फोड़ दिए। रात में 5 महुआ रोड पर हुए विवाद में भंवर सिंह चौहान, उसके भतीजे पुष्पेन, पुत्र वीरेंद्र और दामाद संदीप की जली हुई हालत में उपचार के लिए एम्बॉय अस्पताल लाया गया। यहां परिवार के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस कर्मियों ने गुंडों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट। वहीं रजत नाम के व्यक्ति ने भीड़ में उन पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। फिलहाल TI आर्यन भदौरिया ने इस तरह के आरोपों को झूठा बताया है। सिमरोल के पास से हाईवे के लिए सड़क का निर्माण होना है। यहीं पर लेखराज कुमावत के कब्जे वाली जमीन है, जिसमें आगे की तरफ भंवर सिंह चौहान की चाय और नाश्ते की दुकान बनी हुई है। इस दुकान को रविवार दोपहर से हटाने का काम चल रहा था। जब JCB इस दुकान को हटा रही थी, तब भी चालक से ग्रामीणों का विवाद हुआ था। बाद में पुलिस की मौजूदगी में निर्माण हटाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक यहां और भी लोगों के अतिक्रमण प्रशासनिक आदेश पर हटाए जा रहे हैं।